कर सकता, सही है नहीं है? चलिए ठीक है, अब आगे और क्या बोले ही हम, जो कुछ था वो सब बोल चुके। क्या बच्चे कह रहे हैं एक पोएम सुनाए? अरे हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, अब बसंती मौसम आ गया है तो हवा बसंती जैसा ही होना चाहिए, क्यों कुछ और जैसा होना चाहिए? हाँ बसंती मौसम है, फरवरी का महीना है, तो अब यहाँ पे हमसे बेहतर लोग भी हैं और हमसे बेहतर कहने वाले भी हैं और हमसे बेहतर सुनने वाले भी हैं, तो मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, तुम भी एक पल के हिस्से हो, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, लो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, इसी को सुनाते हैं तुम लोगों को अपने ही अंदाज में, और हमारा अंदाज है कुछ अलग ही, तो सुनिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, कल और भी आएंगे यादों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, तुम भी एक पल का हिस्सा हो, कल तुमसे जुदा हो जाएंगे, लो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। आगे बढ़ते रहिए, भगवान आप लोगों को खुशियां दो, दे जो आप चाहें, क्योंकि खुशियां वो मिलनी चाहिए जो व्यक्ति चाहे। अब हम क्या कहें तुम लोगों को, सबके लिए खुशियां अलग अलग होती हैं, खुशी का परिभाषा ही अलग अलग है, नहीं है, है ना? सबके लिए कहते हैं ना, स्थान अलग होता है, लोग अलग होते हैं, उनकी बातें अलग होती हैं, तो उनके नजरिए में खुशियां भी अलग होती हैं, तो आपको अपनी इच्छा अनुसार खुशी मिले, और आप लोग बुलंदियों को छुए, और हम लोगों को आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, कभी अगर हम लोग मिल भी जाएं तो थोड़ा बहुत कभी कभी मिल लिया करना, बाकी तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अब हम बुलाना चाहेंगे, अब हम आ गए हैं तो कुछ देर तो जश्न होना ही चाहिए। मैं यानी कि महेंद्र यादव, यानी कि आपका केमिस्ट्री वाला टीचर, आपके फैक्टोरियल को बुलाना चाह रहा है, जो फैक्टोरियल करता ही रहता है और उसके ढेर सारे मान निकाल देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता क्या क्या करते हैं, वैसे कैलकुलेशन में भी बहुत बढ़िया कर लेता हूँ, तो मिस्टर कैलकुलेटर ये नाम तुम लोगों के लिए है, मैथमेटिक्स पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि मैं जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो तुम लोग डेसिमल में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तुम लोगों को, तो मैं आपको इन सारी चीजों को सरल कर देने वाले ही अपने हमराही, अपने दोस्त, अपने मित्र, आपके परमादरणीय, अपने मोटा भाई, ये गुजराती लैंग्वेज में, बट गुजराती लैंग्वेज में ये मतलब अपने बड़े भाई, इट मीन्स अब आ ही जाइए प्रभु दर्शन दीजिए,
मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चों आप सबकी विदाई है। हम सभी टीचर्स का आशीर्वाद है कि आप सभी अच्छे नंबर से पास हो, आगे बढ़े, अपने जीवन में हमेशा सफल बने। यही हम सब टीचर्स की आप सबके साथ आशीर्वाद है। आप आगे बढ़े, अपने माता पिता, विद्यालय, घर परिवार सब जगह आप सफलता ही पाए, इससे कि आप सदैव आपका भविष्य उज्जवल ही रहे। मैं आप सबके सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। साथ गुजरे वह पल भुला ना देना, साथ गुजरे वह पल भुला ना देना। जाओ कुछ बनकर जहाँ को दिखा देना। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी। तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। बात ध्यान सुनिएगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। कभी पीछे मुड़कर ना देखना ए मेरे प्यारे बच्चों, कभी पीछे मुड़कर ना देखना ए मेरे प्यारे बच्चों। रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। धन्यवाद बच्चों। अपने अनुज